एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाकयात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। आज हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में 26 बार आया है। इनको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह भी ये शर्फ हासिल है कि इनके नाम पर भी कुरान पाक में एक सूरत मौजूद है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात से मुतल्लिक है, जो इबरत और नसीहत का ज़खीरा है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हकीकी भाई सिर्फ एक बिन्यामीन थे, बाकी सब दूसरी माओं से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस वक्त पैदा हुए थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र 91 साल थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान करने से पहले इसे अहसनुल कसस कहा है, यानी बेहतरीन किस्सा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सिकम के इलाके में रहते थे। रिवायत में है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मदीना पहुँची तो वहाँ के यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजमाइश करने के लिए चंद आदमी मक्का में भेजे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अगर आप वाकई नबी हैं तो ज़रा ये बतलाइए कि वो कौन से पैगंबर थे जिनका एक बेटा मुल्क शाम से मिस्र ले जाया गया, बाप उनके गम में रोते रोते नाबीना हो गया। उन्होंने ये सवाल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसलिए पूछा था कि अरब में कोई भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानता था, ना ही वहाँ पर कोई अहले किताब मौजूद था। उनके सवाल पर पूरी की पूरी सूरत यूसुफ नाजिल हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी उलूगत को भी ना पहुँचे थे कि उन्होंने ख्वाब देखा जिसका जिक्र उन्होंने अपने वालिद से यूं किया, ए अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। तो आपके वालिद ने फरमाया, प्यारे बेटे, अपना ये ख्वाब अपने भाई को मत सुनाना वरना वो हसद में तुम्हारे खिलाफ कोई खुफिया चाल चल देंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में अपने वालिद के सबसे ज़्यादा लाडले और प्यारे थे और खूबसूरत भी बहुत थे। उनकी पेशानी पर नबूवत का निशान था, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेहद एहतराम करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा बहुत ही हसीन था, बाल घुंघरियाले, आंखें मोटी, खूबसूरत सफ़ेद गंदमी रंग था। जब आप मुस्कुराते थे तो आपके दांतों से नूर की शुआएँ निकलती थीं। आपका हुस्न ऐसा जलवागर था जैसे दिन की रोशनी। आपके भाइयों को आप पर हसद होने लगा, यहाँ तक कि सब भाइयों ने आपस में मशवरा करके मंसूबा तैयार कर लिया कि आपको किसी तरह घर से ले जाकर जंगल के कुएं में फेंक देते हैं। इस मंसूबे की तकमील के लिए सब भाई जमा होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बहुत इसरार करके शिकार और तफरी का बहाना बनाकर आपको जंगल में ले जाने की इजाज़त हासिल कर ली। इनको घर से कंधों पर बिठाकर चले, लेकिन जंगल में पहुंचकर उनको दुश्मनी के जोश में ज़मीन पर पटक दिया और सब ने आपको बहुत ज़्यादा मारा। फिर उनका कुर्ता उतार कर हाथ पांव बांधकर गहरे और अंधेरे कुएं में गिरा दिया, लेकिन फौरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुएं में तशरीफ़ लाकर उनको गर्क होने से बचा लिया और उनको एक पत्थर पर बिठा दिया जो इस कुएं में था, और हाथ पांव खोलकर तसल्ली देते हुए उनका खौफ इरास दूर कर दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपको कुएं में गिराकर आपके कुर्ते को बकरी के खून में लथपथ करके घर को रवाना हो गए और मकान के बाहर से ही चीखी मार मार कर रोने लगे। हज़रत याकूब घबरा कर घर से बाहर निकले और रोने का सबब पूछा, तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या तुम्हारी बकरियों को कोई नुकसान पहुँच गया है? फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़त फरमाया कि मेरा यूसुफ कहाँ है, मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ। तो भाइयों ने कहा, हम लोग खेल कर दौड़ते हुए दूर चले गए थे और यूसुफ के सामान के पास बिठा गए थे तो फिर एक भेड़िया आया और उनको फाड़ कर खा गया और ये उनका कुर्ता है। इन लोगों ने कुर्ते को खून तो लगा दिया लेकिन कुर्ते को फाड़ना भूल गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे के कुर्ते को अश्कबार होकर हाथ में पकड़ा तो देखा कि कुर्ता बिल्कुल सलामत है, कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, तो आप उनके मकर और फरेब को भांप गए।
फरमाया कि बड़ा होशियार भेड़िया था, मेरे यूसुफ को तो खा गया लेकिन कुर्ते पर जरा सी खराश नहीं आई। आपने साफ साफ फरमाया कि ये सब तुम लोगों की कारस्तानी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन इस कुएं में तशरीफ फरमा रहे। ये कुआं खारी था लेकिन आपकी बरकत से इसका पानी बहुत ही शीरीं हो गया। इत्तफाक से एक काफिला मदीन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले का आदमी पानी भरने के लिए आया तो कुएं में डोल डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल पकड़कर लटक गए। इस आदमी ने पानी खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो बहुत खुश हुआ और अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो रोजाना इस जंगल में बकरियां चराया करते थे बराबर रोजाना कुएं में झांककर आपको देखते थे। जब उन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो यहाँ वहाँ तलाश करने लगे और तलाश करते हुए काफिले में पहुंचे। आपको देखकर कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नकारा और नाफरमान है। अगर तुम लोग इसको खरीदो तो हम बहुत ही सस्ता तुम्हारे हाथ फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त ये है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ इसकी खबर ना पहुँचे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज भी ना बोले। फिर उनके भाइयों ने उनको सिर्फ 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। वो आदमी उनको खरीद कर मिस्र के बाजार ले गया और वहाँ अजीज़े मिस्र ने उनको बहुत ही ग्रां कीमत पर खरीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलका को कहा, तुम इस गुलाम को नहायत एजाज के साथ अपनी खिदमत में रखो। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र लाया गया तो बहसियत गुलाम बेचा जाने लगा। आपके हुस्न जमाल की वजह से आपकी कीमत बढ़ती चली गई। आपकी कीमत यहाँ तक पहुँच गई कि आपके वजन के बराबर कस्तूरी चांदी और रेशम दिया जाए। इतनी बड़ी कीमत अदा करने की आम लोगों में ताकत न थी, इसलिए मिस्र के वजीर खजाना ने आपको खरीद लिया जिसका नाम तदफेर था और लकब अजीज़े मिस्र था। इस वक्त मिस्र का बादशाह फ्लोरियान बिन वलीद था। अजीज बिन मिस्र ने आपको खरीदा तो आपकी उम्र 8 साल थी। आप उसके घर में रहे। जवानी में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा निखरा कि अजीज़े मिस्र की बीवी आप पर आशिक हो गई। हजरत यूसुफ ने फरमाया, ये नहीं हो सकता, तो मेरा रब उसने मुझे बेहतर ठिकाना दिया है और जालिम फला नहीं पा सकते। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे और अल्लाह ने दरवाजों की कफल तोड़ दिए। आप आगे थे और जुलैखा पीछे थी। उसने हाथ डाला तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फट गई। दरवाजे पर उसका सरदार मिल गया। औरत अगर बुराई की तरफ चले तो उसकी बुराई 70 मर्दों से ज्यादा होती है। कहने लगी, तेरे घर वालों के साथ जो बुराई का इरादा करे उसकी क्या सजा होनी चाहिए? कहती, इसकी सजा ये होनी चाहिए, इसी कैद में डाल दो या उसको बहुत ज्यादा मारो। उसने ये नहीं कहा कि उसको कत्ल कर दो। अगर ये कहती तो अपनी ख्वाहिश कैसे पूरी करती? उसके दिल में चोर था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं बेगुनाह हूँ। एक तीसरा शख्स वहाँ पर मौजूद बोला, देखो कुर्ता कहाँ से फटा है, आगे से फटा है तो औरत सच्ची है और मर्द झूठा। अगर कुर्ता पीछे से फटा है तो औरत झूठी है और मर्द सच्चा। देखा कि कुर्ता पीछे से फटा है तो कहा, ये सब तेरी बदनीयती है। यूसुफ छोड़ो इसको, ये है ही ऐसी, जा तू अपनी शर्म को छुपा। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तरफ तो भाइयों के मकरो फरेब से बचे तो दूसरी तरफ औरत का मकरो फरेब आ गया। औरतों में चर्चा हुआ, अजीज़े मिस्र की बीवी गुलाम के इश्क में मुब्तला हो गई है कोई करने वाली बात। जब इसे पता चला कि औरतें मेरे बारे में ये कहती हैं तो कहा, सब आओ मेरे यहाँ दावत है। उसने सबको खाने के लिए बुलाया और दस्तरखान बिछाया, हर एक के हाथ में एक एक चाकू पकड़ाया और फल पकड़ा दिए और फिर कहा, यूसुफ बाहर आओ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आए, औरतों ने फल की जगह अपने हाथ काट दिए। हाथों से खून बह रहा था लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि खाल कट रही है या फल। उनके मुंह से बेख्तियार निकला, ये तो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, यही है वो जिसके बारे में तुम मुझे ताना देती थी। इतनी सख्ती के बाद भी यूसुफ ने अपनी पाक दामनी नहीं छोड़ी। अगर अभी भी इसने मेरा कहना नहीं माना तो ये जेल में जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मुझे औरतों के मकरो फरेब से बचा, मुझे कैद पसंद है लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के शाही महल में कैद में चले गए। आपने जेल में पहुँच कर कहा, या अल्लाह कैद खाने की कोठरी मुझको उस बला से महबूब है जिसकी तरफ जुलैखा मुझे बुला रही थी। फिर आप 7 बरस या 12 बरस तक जेल खाने में रहे, कैदियों को तौहीद और अमाले सालिया की दावत देते रहे। यह अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन आप कैद खाने में दाखिल हुए उसी दिन आपके साथ बादशाह मिस्र के 2 खादिम, एक शराब पिलाने वाला, दूसरा बावर्शी भी जेल खाने में दाखिल हुए। इन दोनों ने अपना एक ही ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुनाया। आपने दोनों के ख्वाब की ताबीर बयान फरमा दी जो 100% दुरुस्त साबित हुई, इसलिए आपका नाम ताबीर देने वाला भी मशहूर हो गया।
इसी दौरान मिस्र के बादशाह ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि 7 फरबा गायें 7 दुबली गायें को खा रही हैं और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। बादशाह ने अपने दरबारियों से ये ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की, लेकिन कोई भी इस ख्वाब की ताबीर ना बता सका। लोगों ने इस ख्वाब को ख्वाब परेशान कह दिया। इतने में बादशाह का साकी, जो अभी अभी कैद खाने से बाहर आया था, उसने कहा कि मुझे मालूम है इस ख्वाब की ताबीर कौन बता सकता है, इसके लिए आप मुझे जेल खाने में जाने की इजाज़त दें। फिर ये बादशाह का कासिद बनकर हजरत यूसुफ के पास गया और बादशाह का ख्वाब बयान करके ताबीर दरियाफ्त की। हजरत यूसुफ ने फरमाया, 7 बरस तक मुसलसल खेती करो, उनके अनाजों को बालियों में महफूज कर लो, फिर 7 बरस तक सख्त खुशहाली रहेगी। कहत कि इन 7 बरसों में पहली 7 बरसों का महफूज किया हुआ अनाज लोग खाएंगे, इसके बाद फिर हर साल हरियाली का साल होगा। इसने जाकर बादशाह को ये ख्वाब की ताबीर बयान फरमा दी। बादशाह ने हुक्म दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकाल कर मेरे दरबार में ले आओ। कासिद रिहाई का परवाना लेकर जेल में पहुँचा तो आपने फरमाया, पहले जुलेखा और दूसरी औरतों के जरिए मेरी बेगुनाही और पाकदामनी का इजहार करवा लिया जाए। इसके बाद मैं जेल से बाहर निकलूंगा। बादशाह ने उसकी तहकीकात करवाई। तहकीकात के दौरान जुलेखा ने इकरार कर लिया कि मैं खुद ही यूसुफ को फिसला रही थी, बेशक वो पाक दामिन रहा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। उसके बाद बादशाह ने यूसुफ को दरबार में बुलाया और कहा, आप हमारे मोतबर हैं और दरबार के मौजिज़ हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे जमीन के खजानों के इंतजामी अमूर पर फाइज कर दें और हिफाजती निज़ाम पर भी मेरा तकर्रुर कर दें, मैं पूरे इंतजाम को संभाल लूंगा। बादशाह ने मुल्क के इंतजाम का पूरा कब्जा आपके सुपुर्द कर दिया। इस तरह मुल्क मिस्र की हुक्मरानी और इक्तदार आपके पास आ गया। आपने मिस्र पर कई साल हुकूमत फरमाई। दौरान हुकूमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 1000 दिन की मेहनत से दरियाए नील से नहर निकाली, जो कि नहर यूसुफ के नाम से जानी जाती है। ये नहर काहिरा से जनूब की तरफ बहती है। फिर आपने 7 साल तक खेती का मनसूबा तैयार किया और अनाज को महफूज रखा, यहाँ तक के कैद साली का दौर आ गया। फिर पूरी सल्तनत के लोग गल्ले के लिए मिस्र आना शुरू हो गए और आपने गल्लों की फरोख्त शुरू कर दी। इसी सिलसिले में आपके भाई कुनान से मिस्र आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको देखते ही पहचान गए, मगर वो लोग आपको पहचान न सके। आपने उनको गल्ला दिया, फिर फरमाया कि तुम्हारा एक भाई बिन्यामीन भी है, आइंदा उसको भी साथ लेकर आना, फिर उसको साथ नहीं लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया कि हम उसके वालिद साहब को रजामंद करने की कोशिश करेंगे। यूसुफ ने अपने गुलामों से कहा कि इनकी नकदियों को इनकी बोरियों में डाल दो, ताकि ये लोग घर पहुंचकर नकदियों को देखेंगे तो ये ज़रूर वापस आएंगे। जब ये लोग अपने वालिद के पास पहुंचे तो कहने लगे, अब्बा जान, अब क्या होगा, अजीज़ मिस्र ने तो कह दिया है कि जब तक ये लोग बिन्यामीन को साथ नहीं लाएंगे गल्ला नहीं मिलेगा, लिहाजा आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दें ताकि हम इनके हिस्से का गल्ला भी ले लें और आप इत्मीनान रखें, हम लोग इनकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद जब इन लोगों ने अपनी बोरियों को खोला तो हैरान रह गए कि उनकी रकमें बोरियों में मौजूद थी। ये देखकर बरादराने यूसुफ ने कहा, ए अब्बा जान, इससे बढ़कर अच्छा सलूक क्या होगा, आप बिला खौफ बिन्यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मरतबा यूसुफ के मामले में मैं तुम पर भरोसा कर चुका हूँ, तुम लोगों ने क्या कर डाला, अब दोबारा मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर लूं, इस तरह बिन्यामीन को तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। अगर तुम लोग हल्फ उठाकर मेरे सामने अहद करो तो मैं इसको भेज सकता हूं। सब भाइयों ने हल्फ उठाकर अहद किया तो फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके साथ बिन्यामीन को भेज दिया। हजरत बिन्यामीन के साथ भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार पहुंचे तो अजीज मिस्र ने अपने भाई को पहचान लिया और उसको अपनी मसंद पर बैठाया और झुपके से उसके कान में कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लिहाजा तुम कोई गम फिक्र ना करो। फिर आपने सबको अनाज दिया और सबने अपनी बोरियों को उठाया और चलने लगे। कुरान पाक में सूरत यूसुफ में आयत नंबर 70-77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब उन्हें उनका सामान असबाब ठीक ठाक करके दिया तो अपने भाई के सामान में पानी पीने का प्याला रख दिया। फिर एक आवाज़ देने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफले वालों, तुम चोर हो। उन्होंने मुंह फेर कर कहा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई है। जवाब दिया, शाही प्याला गुम है, जो इसे ले आए उसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा, इस वादे का मैं ज़ामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुमको खूब मालूम है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छे चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो। जवाब दिया, इसकी सजा ये है कि जिसके असबाब में इसे पाया जाए वही इसका बदला है, हम तो जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने उनके सामान की तलाशी शुरू कर दी, अपने भाई के सामान से पहले, फिर उस पैमाने को अपने भाई के सामान से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इसी तरह ये तदबीर की,
उस बादशाह के कानून की रो से ये अपने भाई को अपने पास नहीं रोक सकते थे, मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह ताला जिसके चाहे दर्जे बुलंद कर दे। हर जी इल्म पर फोकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो इस पे कोई ताज्जुब नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर न किया। कहा कि तुम लोग बड़े बदकुमाश हो और जो तुम बयान करते हो उसे अल्लाह ही खूब जानता है। अब वो बादशाह यानी यूसुफ की मिन्नत समाजत करने लगे। उन्होंने कहा, ऐ अज़ीज़े मिस्र, इसके वालिद बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को रख लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। यूसुफ ने कहा, हमने जिसके पास ये चीज पाई है उसके अलावा किसी दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जब वह इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठकर मशवरा करने लगे। जो इनमें सबसे बड़ा था उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने अल्लाह की पुख्ता कसम देकर कोलो करार लिया है, इससे पहले तुम यूसुफ के बारे में भी कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक वालिद साहिब खुद इजाजत न दे दे, या अल्लाह इस मामले में मेरा फैसला न कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब की खिदमत में हाजिर हो जाओ, आपके साहिबजादे ने चोरी की है। फिर हमने वही गवाही दी जो हम जानते थे, हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले न थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा लें जहाँ हम थे, और इस काफले से भी पूछ लें जिसके साथ हम आए थे। जब ये भाई पहुंचे और यकूब अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, कल के तुमने अपने पास से बात बना ली है, बस सब सबर ही बेहतर है, करीब है कि अल्लाह इन सबको मेरे पास पहुंचा दे, वही इल्म और हिकमत वाला है। फिर यकूब अलैहिस्सलाम रोने लगे और उनसे मुंह फेर लिया और कहा, हाय यूसुफ। उनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थी और गम को दबाए हुए थे। बेटों ने कहा, वल्ला आप हमेशा यूसुफ की याद में ही लगे रहेंगे, यहाँ तक कि घुल जाएं या खत्म हो जाएं। फिर इस पर याकूब ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। प्यारे बच्चों, जाओ तुम यूसुफ और उसके भाई की तलाश शुरू करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, यकीनन रब की उम्मीद से ना उम्मीद वही होते हैं जो काफिर होते हैं। अब उनके पास गल्ला खरीदने के लिए सामान तिजारत बहुत कम था। वो थोड़ा सा सामान लेकर यूसुफ के पास आए और कहा, ऐ अज़ीज़े मिस्र, हमको हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम हकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गल्ले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, और अल्लाह खैरात करने वालों को बदला देता है। अब यूसुफ के भाई उनके सामने रुसवाई के दर्जे तक पहुंच गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज्यादा परेशान करना मुनासिब न समझा और अपना मुकम्मल तारुफ करवा दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जानते भी हो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपनी नदानी की हालत में क्या किया? उन्होंने कहा, वाकई तू ही यूसुफ है? जवाब दिया, हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, और अल्लाह ने हम पर फसल किया है। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकोकार का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुझे हम पर बरतरी दी, और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया, आज तुम पर मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों में बड़ा मेहरबान है। मेरा ये कुर्ता तुम ले जाओ, इसे मेरे वालिद के मुँह पर डाल दो ताकि वो देखने लगे और अपने खानदान को मेरे पास ले आओ। वो कमीज लेकर याकूब की तरफ चल दिए। वे मिस्र से चले तो याकूब ने खुशबू महसूस की। जब ये काफला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे बेवकूफ ना कहो। वो कहने लगे, आप उसी पुराने खप्त में मुतला है। फिर जब खुशखबरी देने वाले ने पहुँच कर उनके मुँह पर वो कुर्ता डाला, उसी वक्त फिर से बीना हो गए और कहा, मैंने तुमसे कहा ना था मैं अपने अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उन्होंने कहा, आप हमारे गुनाहों की बख्शिश तलब कीजिए, बेशक हम कसूरवार हैं। कहा, अच्छा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश तलब करूँगा, वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। सारा खानदान यूसुफ के पास आया तो यूसुफ ने अपने माँ बाप को पास जगह दी, कहा, अल्लाह को मंजूर है कि सब अमन व अमान के साथ मिस्र में आओ, और अपने तख्त पर अपने माँ बाप को ऊंचा बिठाया और सब के सब उसके सामने सजदे में गिर गए। तब कहा, अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है, मेरे रब ने उसे सच्चा कर दिखाया, उससे मुझ पर बड़ा एहसान किया जबकि मुझे जेल खाने से निकाला, आप लोगों को मिस्र से ले आया, और इस इख्तलाफ के बाद जो शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में डाल दिया था, मेरा रब जो चाहे उसके लिए बेहतरीन तदबीर करने वाला है, वो बहुत इल्म और हिकमत वाला है। ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई, मुझे ख्वाब की ताबीर सिखलाई, ऐ आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया आखिरत में मेरा वली और कारसाज है, तू मुझे इस्लाम की हालत में फौत कर और नेकों में उठा। ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।